जैसे ही महिला कंसीव करती है तो इसके तुरंत बाद से ही गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक चेंजेस आने लगते हैं। इसमें सबसे पहला जो शारीरिक चेंज जो कि शुरुआती दौर से ही आने लगता है वो होता है स्तनों में। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर से ही महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, कई बार ऐंठन ले लेते हैं, कई बार काफी ज्यादा मुलायम हो जाते हैं, इनमें दर्द भी शुरू हो जाता है और ये भारी पन लिए हुए होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं के जो स्तन है उनमें इस दौरान लगातार बदलाव महिलाओं द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों प्रेगनेंसी का जब सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो इस दौरान भी महिलाओं के स्तनों में एक भारी बदलाव होता है। महिलाओं के स्तनों से सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलने लग जाता है, इसका रिसाव होने लगता है और ये जो रिसाव होता है इसे महिलाएं समझ नहीं पाती है कि आखिर ये पानी जैसा स्तन से निपल से क्यों निकल रहा है। तो इसे लेके वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर प्रेगनेंसी है और इस दौरान ऐसा इस तरीके का रिसाव होना, तरल पदार्थ निकलना कहीं गर्भावस्था को खराब तो नहीं कर देगा। तो इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर ये रिसाव होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या समाधान होते हैं। ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि अगर आपको भी इस दौरान ये रिसाव हो रहा है तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं, इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें उतार चढ़ाव होता है। तो ये जो तरल पदार्थ जो कि कई बार पीले रंग का या फिर दूधिया रंग का या फिर सफेद रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। डिलीवरी के ठीक बाद जब अगर आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो ये जो दूध होता है ये बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, तो इसमें ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शामिल होती है। ये जो होता है प्रेगनेंसी के दौर से ही गर्भवती महिलाओं में दूध बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने का काम करता है, तो इसलिए ये रिसाव गर्भवती महिलाओं में होता है, जो कि आगे चल के जब माँ बच्चे को जन्म देती है उसके बाद दूध पिलाना शुरू करती है तो जैसे ही महिला 2-3 दिन लगातार बच्चे को दूध पिला रही होती है उसके बाद इस कोलोस्ट्रम का बनना बंद हो जाता है और महिला लगातार बच्चे को स्तनपान करा सकती है। और ऐसे ही जब बच्चा दूध पीता रहता है तो इस दौरान महिलाओं के शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी स्राव होता है, जिस वजह से महिलाओं का जो गर्भ अपनी पूर्व स्थिति की ओर जल्दी से आने लग जाता है। तो इसलिए भी माँ बनने के बाद महिलाओं को अपने बच्चे को फीड जरूर कराना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान पानी का रिसाव आपके स्तनों से होना बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है और लगभग 40% महिलाओं के साथ ऐसी दिक्कत देखी जाती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इसके कुछ और रीजन भी हो जो कि आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको दोस्तों इस दौरान थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी आपके स्तनों से इस दौरान इस तरीके का पानी का रिसाव हो सकता है। इसमें आपको बहुत अधिक पानी का रिसाव होगा तो समझ जाइए कि आपको थायराइड की दिक्कत भी है, तो आपको अपने थायराइड को कंट्रोल करना है। अगर आपके स्तनों में, ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है तो भी ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके स्तनों से इस दौरान तरल पदार्थ का रिसाव हो। अगर आप टाइट ब्रा पहनती हैं इस दौरान तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आपके स्तन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस दौरान भी टाइट ब्रा पहन रही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके स्तन से रगड़ खा सकते हैं, जिस वजह से आपको इस तरीके से पानी होने का रिसाव दिख सकता है, महसूस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अहम कारण इसका होता है, वो होता है स्तनों में गांठों का बन जाना या फिर आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाना। अगर आपके स्तनों में बहुत अधिक गांठें बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कठोर या आपको छूने में लगते हैं या फिर आपको कैंसर की दिक्कत है तो इसमें भी इस तरीके का पानी का रिसाव होता है जो कि तरल होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान भले ही हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती हो लेकिन कहीं इसकी कुछ और वजह तो नहीं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके समाधान की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नॉर्मली दोनों स्तन से इस तरीके से पानी का रिसाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है, दूधिया हो रहा है, पीले रंग का है हल्का और तरल लिए हुए है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तब है जब ये जो तरल पदार्थ है ये काफी गाढ़ा हो जाता है, पीले रंग का या फिर लाल रंग का आने लग जाता है, खून इसमें से निकलने लग जाता है या फिर आपको बहुत अधिक स्तनों में दर्द हो जाता है। कई बार एक स्तन में ये दर्द रहता है, कई बार दूसरे स्तन में, यानी कि एक ब्रेस्ट में ही अगर आपको पेन हो रहा है तो
तो भी ये कहीं ना कहीं खतरे की बात होती है। तो ऐसे में आपको देरी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और इसके बारे में उचित इलाज आपको करवाना पड़ता है। इसके अन्य समाधान की बात करूं तो आपको इस दौरान पैडेड ब्रा पहननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है और आपको ये पानी का रिसाव हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आप एक साइज बड़ा पैडेड ब्रा का पहन सकते हैं। तो ये आपको सपोर्ट भी देगा और आपको इससे रिसाव होने पर सूखा सूखा महसूस होगा। कई बार क्या होता है कि आप चार लोगों के बीच में होते हैं और आपको इस तरीके का रिसाव होने लगता है, तो आपके कपड़ों में गीलापन आ जाता है, जिससे कि आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। आप कहीं बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो ना हो जाए कि मेरे स्तनों से पानी का रिसाव होने लगे। तो इसलिए आप इस दौरान पैडेड ब्रा जरूर पहने, ये आपके लिए इस दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप चाहें तो मार्केट से कुछ पैडेड कप्स ले सकते हैं, जो कि आप अपनी ब्रा के अंदर फिट कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए कुछ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी इन्हें चेक कर सकते हैं अगर आपको बहुत अधिक रिसाव हो रहा है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो फास्ट रिप्लाई के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।